राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिलाध्यक्ष नागपुर शहर अमित दुबे के मार्गदर्शन में मध्य नागपुर अध्यक्ष मनोज पौनीकर के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने कामटी रोड नागपुर नालंदा वृद्ध आश्रम में जाकर वृद्ध महिलाओं को खाद्य सामग्री वितरित की गई। अमित दुबे की प्रमुख उपस्थिति व मार्गदर्शन में शिष्टमंडल ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जिलाध्यक्ष अमित दुबे ने बताया कि आज शहर में बड़े बड़े मकान व बंगले बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज के युग के बच्चे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हें उनकी ही संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, मजबूरन फिर इन बुजुर्गों को इस उम्र में वृद्धा आश्रम में जाना पड़ता है। यदि हर युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों का पूरी ईमानदारी से ध्यान रखे तो कभी भी किसी बुजुर्गों को वृद्धा आश्रम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न ही उनके लिए वृद्धा आश्रम बनाने की। राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल नागपुर शहर द्वारा संकल्प के तौर पे हर साल वर्ष में दो बार वृद्धा आश्रम व अनाथ आश्रम ऐसे जगह सेवा दी जाती है। यहाँ टीम के सभी लोग बुजुर्गों के साथ खुशियां बांटते नजर आते हैं और उनके दुख को खुशी में बदलने का प्रयास करते हैं व अपना संकल्प पूरा कर यादगार पल का लाभ बुजुर्ग लोगों के साथ उठाते हैं। एक और देश में कोरोना जैसी महामारी ने कई लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया है, ऐसे में वृद्धाश्रम जैसे जगहों पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता, इसलिए इस बात की दखल देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल नागपुर शहर की ओर से यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तिलक चंद खरपुरिया, हनी खेत्रपाल, नवनीत तिवारी इत्यादि राष्ट्रवादी कांग्रेस मीडिया सेल नागपुर शहर के पदाधिकारी उपस्थित थे। मैं अमित दुबे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मीडिया सेल जिला अध्यक्ष नागपुर शहर। आज मैं और हमारा शिष्टमंडल नालंदा वृद्धाश्रम कामठी रोड राजीव दुर्गति चौक यहाँ आया है। आज हमारा उद्देश्य मीडिया सेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कलयुग चल रहा है। यहाँ ना बाप बेटे को पूछता है ना बेटा माँ बाप को, जिसका साक्षात उदाहरण आप देख सकते हो। ये वृद्धाश्रम में हमारी माँ हमारी दादी समान महिलाएं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, और एक संचालिका है रामटेके जी, रामटेके मैडम, इन्होंने इन वृद्धा लोगों को ना अपने खुद के घर में रखा है और इनकी सेवा करती है। ऐसे महिला को हमारा मीडिया सेल की ओर से सलाम है, हम सलूट करते हैं आपको। और आज हमने हमसे जो भी जमा एक खाद्य पदार्थ या जो भी कोरोना काल में इनको कोई पूछ नहीं रहा था, तो हमसे जो भी जमा हमने चाय नाश्ता पानी की छोटी सी व्यवस्था हमारे ओर से की है। और भविष्य में हमारे माननीय शरद चंद्र पवार साहब का जन्मदिन आता है दिनांक 12/12 को, तो हम आने वाले समय में भी हमसे जो भी जमेगा जो भी उचित सेवा होंगी हम यहाँ हर पल करते हैं, ऐसा वचन मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज़।